हेलो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले साल अगर आपका लॉस हुआ है तो इस साल उस लॉस को आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जब आप इस साल यानी करंट ईयर पे अपना रिटर्न दाखिल करेंगे तो उसमें आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का पूरा डिटेल्स देने होंगे। पर प्रॉब्लम यही है कि आपको कोई भी वीडियो या गूगल सर्च करने से भी ये मालूम नहीं चलेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की कौन सी टैब में जाके आपको ये पिछले साल का लॉस का इंफॉर्मेशन को इस साल प्लेस करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने पुराना लॉस को भी इस साल सेट ऑफ करके आपका जो इनकम है उसको कम कर सकते हैं और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक एक्सेल यूटिलिटी ओपन है। अगर आप जावा यूटिलिटी ओपन करेंगे फिर भी सेम टाइप ऑफ पेज आपके सामने आ जाएगा। और ये आपको CFL यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस बोल के जो टैब है यहाँ पे मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो हम लोगों के सामने एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी आते हैं उसके नीचे बहुत सारे टैब्स रहते हैं, इसमें CFL टैब में आपको जाना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस शीट में कैसे आपको डेटा फिलअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पुराना साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी है उसको सामने लेके बैठना है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पिछला एक साल का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कई साल का लॉस एक्युमुलेट हो चुका है, आप अभी तक क्लेम नहीं किए हो पर अभी आप सारा लॉस को क्लेम करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग डालना है। हम लोग जो एक्सेल यूटिलिटी ओपन की है ये एक्सेल यूटिलिटी एप्लीकेबल है 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए, तो इसलिए हम लोगों के पास जो लेटेस्ट या जो लास्ट असेसमेंट ईयर अवेलेबल है वह 2021। तो 2021 का आपका जो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे। सेम तरीके से अगर आप 19-20 असेसमेंट ईयर का कोई भी लॉस को अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हो या पिछला साल अगर आप गलती से उसको मिस आउट कर गए तो आप उसका भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। तो उस केस में आपको 19-20 का जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो आपको यहाँ पे देने होंगे। अब आते हैं दूसरे बॉक्स में। देखिए, ये जो हेडिंग है ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस का, ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप इस बॉक्स में डाल दीजिए। आपको देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस कौन से ईयर से बिलोंग कर रहा है। अगर 2021 है तो लेटेस्ट वाला, उससे पुराना है तो 1920 में, तो उसी तरीके से आपको ये सारा जो लॉस है लॉस फिगर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 साल का हाउस प्रॉपर्टी लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, हम लोग लॉ में जो चीज पढ़े हैं प्रैक्टिकली वही चीज हम लोग कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ में कुछ है पर प्रैक्टिकली हम लोग उसको कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिटो उसी चीज को आपके सामने दिया गया है। अब देखिए, अगर आपका बिजनेस लॉस है तो आपको यहाँ पे उसको डालने होंगे। और सेम तरीके से हम जानते हैं कि बिजनेस लॉस जो है वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए 8 साल तक जो विंडो है वो विंडो ओपन है। देखिए, 8 साल का टैब आपके सामने ओपन है और ये ग्रीन टैब होने का मतलब आप यहाँ पे फिगर डाल सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, अब देखिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस आप सिर्फ 4 साल का ही लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके सामने 4 साल का टैब ओपन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। देखिए, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, तो यहाँ पे इसीलिए देखिए 2010-11 से लेके 2020-2021 तक सारा टैब जो है वो ओपन है यहाँ पे, तो आपको रिलेवेंट जो टैब है उसी को फिलअप करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो उस केस में आप ये सारा जो बॉक्स है यहाँ पे अपना डाटा को फिट कर सकते हैं। अगर आपका लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस है तो पिछला 4 साल का आप लॉस को यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आप आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरा इस साल का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए पर मेरा पिछले 3 साल का जो लॉस हुआ है, यानी हो सकता है कि मैंने पिछले 3 साल से मैं टैक्स ऑडिट करा रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है, तो आज के दिन मैं वो सारा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके इस साल का जो प्रॉफिट है उसके साथ उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका टैक्स ऑडिट हुआ होगा, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, बट जो भी सिचुएशन में हो जाए आप पिछले साल का जो लॉस है उस लॉस को इस साल का प्रॉफिट के साथ या इस साल का जो आपका इनकम है उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि रिलेवेंट टैब है CFL। दोस्तों, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको वही चीज मिला है जो चीज आप ढूंढ रहे थे गूगल में या यूट्यूब में। आई होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ऐसा यूजफुल टिप्स आपको सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।